हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज असीं नावल मड़ी दा दीवा जो कि नावलकार गुरदयाल सिंह जी दा लिखिया होया है उस ते कांड दो दी रीडिंग तुसीं कर चुके हो ते आज असीं उस दी समरी करांगे जिसनूं तुसीं अपनियां कापियां ते लिखना है। सार शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे नाल इस सार दी ब्रीफ समरी डिस्कस करांगी। कांड दो दे आरंभ विच जगसीर जो कि नंदी दा पुत्तर है धर्म सिंह दे घर बलद लैन जांदा है ते जद बलद लैके धर्म सिंह दे घर तो निकलदा है तां रस्ते विच उसदे मन विच धर्म सिंह दे पुत्तर पंते दे खरमे सुभा दा ख्याल आउंदा है। इस तरह सोचा सोचते वह खेत पहुँच जाता है। उत्थे पहुँच के वह अपने पुराने दिनों नू याद करता है कि धर्म सिंह दे प्यो ते उसके पिता ठोले की बड़ी गूढ़ी सांझ सी जिसनू सारा पिंड जानता सी। इस सांझ दे तहत वह दोवें अपने अपने पिता दे कहे हुए बोलां नू पुगा रहे सन। जगसीर हुण पैरी होनी शुरू कर दिंदा है तां दूरों उसनू नंदी रोटी लैके आउंदी दिसदी है। नंदी दिसदी है ते खेत पहुँचदिया ही वैन पौने शुरू कर दिंदी है जिस कारण जगसीर दा चित भैड़ा पै जांदा है तां उस दा दिल रोटी खाण नू नहीं करदा ते नंदी रोटी टाली दे मुढ़ नाल सांभ के घर वापस चली जांदी है। सो बेटा हुण असीं कांड दो दी समरी शुरू करांगे। प्रश्न, नावल मड़ी दा दीवा दे कांड दो दा सार अपने शब्दों विच बयान करो। हाँ जी बेटा, कांड दो साड़ी ISC बोर्ड वल्लों प्रमाणित नावल मड़ी दा दीवा विच्चों लिया गया है जो कि गुरदयाल सिंह जी दी शाहकार रचना है। इस कांड दे आरंभ विच असी पढ़ते हाँ कि जगसीर कुक्कड़ दी पहली बांग नाली उठ के धर्म सिंह दे घर बलद लैन चला जाता है। धर्म सिंह ने उस दे आउण तो पहला ही अपने नेम अनुसार बलदां नूं पट्ठे पा दित्ते सन ते जदों जगसीर धर्म सिंह दे पैरी हाथ लगाउंदा है तां उह जगसीर नूं असीसां दिंदा है। इस उपरंत जगसीर बलदां पिछे हल पा के उत्थों तुर पैंदा है। हुण बेटा कांड दो जो कि प्रोफेसर गुरदयाल सिंह दी शाहकार रचना है, कांड दे आरंभ विच असीं पढ़दे हाँ कि जगसीर जो कि इस नावल दा मुख पात्र है ते नंदी ते ठोले दा पुत्तर है, वह कुक्कड़ दी बांग नाल ही उठ जाता है ते चाह पी के धर्म सिंह दे घर बलद लैण लई चला जाता है। धर्म सिंह दे घर पहुँच के वह सतिकार वजो उसके पैरों नूं हाथ लाउंदा है ते धर्म सिंह जगसीर नूं असीसां दिंदा है। फिर जगसीर बलद लैके खेतां वल नूं चल पैंदा है। उस समय उस नूं धर्म सिंह दे वड्डे पुत्तर पंते दे अपने प्रति खरवे सुभा दा ख्याल आउंदा है। हुण बेटा धर्म सिंह दे वड्डे पुत्तर दा नां की है? पंता। ठीक है, हुण जगसीर नूं उसदे खरवे सुभा दा ख्याल आउंदा है जदों उह खेत वल जा रहा हुंदा है तां उस दा चित भैड़ा पै जांदा है। इस तरह सोचां सोचदे जदों उह अपने खेत नेड़े पहुँचदा है तां रप्पड़ होई पैली वेख के उसका त्राह निकल जाता है। बेशक यह जमीन धर्म सिंह की मलकीयत सी पर जगसीर की इस पैली नाल गूढ़ी सान सी। असल विच धर्म सिंह का प्यो जगसीर के प्यो नूं उस दे जद्दी पिंड तो पग वटा के लियाया सी अते उस नूं चार विघे पैली भी दित्ती सी। हुण बेटा जदों जगसीर खेतां वल नूं बलद लैके जांदा है तां उस दे मन विच धर्म सिंह दे वड्डे पुत्तर पंते दे खरवे सुभा भाव के गुस्से हो कौड़े सुभा दा ख्याल उसके जिहन विच आउंदा है जिस कारण उसका मन खराब जिहा हुंदा है। खेतां विच पहुँच के जद वह अपनी सुक्की हुई पैली, बेटा रप्पड़ हुई पैली तो भाव
सुकी हुई पैली नूं वेखदा है तां उसका हौका जिहा निकल जांदा है। भावें यह जमीन धर्म सिंह दी सी पर उस दी इस पैली दे नाल गूढ़ी सांझ सी भाव के गहरा नाता सी, क्योंकि धर्म सिंह दा प्यो ते जगसीर दा प्यो ठोला दोवें ही धर्म सिंह दे भरा बने सन। इस प्यार सदका ओह जगसीर दे प्यो दे उसनू चार विघे पैली भी दित्ती सी। इत्थों तक कि जदों ओह दोवें हुण बेटा ओह दोवें कौन ने, धर्म सिंह दा प्यो ते जगसीर दा प्यो ठोला, ओह दोवें जदों बेटा सोलवरां दे मेले जांदे हुंदे सन तां दोवें इक्को ही रंग दीआं पग्गां कुड़ते अते इक्को जिहीआं दुखल्लीआं जुत्तीआं पाउंदे सन। हुण जदों धर्म सिंह दे घरों बल्द लै के चला जांदा जगसीर खेत पहुँच जांदा है तां उत्थे उसनूं उह अपने पुराने दिन याद आउंदे हन कि किवें धर्म सिंह दा प्यो ते उसदा प्यो दोवें सेलवरां दे मेले जांदे हुंदे सन तां उन्हां दोवां दा आपस विच इन्ना क प्यार सी कि इसे प्यार दे तहत ओह इक्को रंग दीआं पग्गां कुड़ते ते इक्को जिहीआं दुखल्लीआं जुत्तीआं पा के जांदे सन। इस लई पिंड दे लोक उन्हां नूं हंसां दी जोड़ी भी आखदे सन ते उन्हां दोवां दे प्यार नूं सारा पिंड जाणदा सी, जिस करके उन्हां दोवां नूं हंसां दी जोड़ी कहा जांदा सी। हुण इस तरह जदों धर्म सिंह दे प्यो दा अंतिम समां नेड़े आउंदा है, ठीक है, हुण बेटा जदों धर्म सिंह दा प्यो अंतिम समां भाव कि जदों मरन किनारे हुंदा है तां उस समें ओह ठोले नूं बुला के, ठोला कौन है, जगसीर दा पिता, ठीक है, धर्म सिंह दा प्यो दा अंतिम समां नेड़े हुंदा है ते ओह जगसीर दे पिता ठोले नूं अपने घर बुलाउंदा है तां उस दा हथ धर्म सिंह नूं फड़ाउंदे होए आखदा है कि ठोले नाल कोई दवैत ना रखे, दवैत भाव कि उस नाल कोई वितकरा ना करे, क्योंकि उसने सप्पां दीआं सिरियां मिद मिद के उन्हां दी जमीन दुगनी कर दित्ती सी। ते जदों धर्म सिंह दे प्यो दी मौत हो जांदी है तां उह अपने प्यो दे बोल पगाउंदा होया ठोले दीआं धीआं दे विआह भी आप करदा है ते उसदे घर दा सारा खर्च अपने जिम्मे लै लैंदा है, ठीक है। हुण धर्म सिंह दे प्यो दा जदों अंतिम समां नेड़े आउंदा है तां उह ठोले नूं अपने घर बुला के ते धर्म सिंह नूं उस्ताद फड़ाउंदे कहिंदा है कि ठोले नाल कोई भी ईरखा ना करी, भाव कि उहदे नाल कोई भी वितकरा ना करी, क्योंकि उसने साडी जमीन दे लई सप्पां दीआं सिरियां मिद मिद के साडी जमीन नूं दूणी कीता है, ठीक है। ते इस तरह उसकी मौत उपरंत ओह दोवें, ठीक है, प्यार नाल रहिंदे हन ते धर्म सिंह अपने पिता दे कोई होए बोल नूं पगाउंदा है। इसे करके ही ओह ठोले दीआं धीआं दे विआह ते भी जांदा है ते उसदे घर दा सारा जिम्मेवारी अपने सिर ते लैंदा है। फिर जदों कुछ समय बाद ठोले दा अंतिम नेड़ा आउंदा है तां ओह धर्म सिंह नूं जगसीर दी बांह फड़ाउंदे होए आखदा है कि ओह जगसीर नूं अपना भरा बना के रखे, बेशक धर्म सिंह जगसीर दे प्यो दे वाह लगदी तक पुगा रहा सी पर उसका मुंडा जगसीर दे प्रति धर्म सिंह दा अजिहा वतीरा वेख के कई बार खैबड़ भी पैंदा सी, ठीक है। हुण बेटा पहला धर्म सिंह दे प्यो दा अंतिम नेड़ा आया ते उन्हें ठोले नूं बुलाया, हुण इसे तरह ही फिर जदों कुछ समां बीत जांदा है ते ठोले दा अंतिम समां नेड़े आ जांदा है भाव कि वह मरन किनारे हुंदा है ते फिर वह धर्म सिंह नूं अपने घर बुलाउंदा है ते जगसीर दी बांह उस नूं फड़ाउंदा है ते उस नूं कहिंदा है कि इहनूं अपना भणा बना के रखी, ठीक है। हुण बेशक भावें धर्म सिंह दे जगसीर दे प्यो दे बोल वाह लगदी तक पुगा रहा सी, हुण उन्हां दोवां ने अपने पिता दे कहे होए बोल नूं अपने आखरी साहां तक निभाया, पर कदे कदे धर्म सिंह दा मुंडा पंता जगसीर दे प्रति अपना वतीरा जिहड़ा सी उह सही नहीं रखदा सी। हुण बेटा असी कांड दी हाफ समरी कर लई है ते तुसी नैक्सट क्लास तो पहलां इस हाफ समरी नूं रिवाइज़ करके अपनियां कापियां ते लिखना है। टिल देम गुड बाय।